Assalamu alaikum. Welcome to the Plant Environmental Biology course. Today we shall discuss a very important topic, senescence in plants and their molecular mechanism in a very easy way. So kindly see this lecture till the end. Leaf senescence, it can be defined as gradual deterioration of tissues, organs or any part of a living organism. लीव सिनेसेंस के अगर बेनिफिट देखे जाएं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज कंजर्व द न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल, इफ सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गन्स लाइक लीव्स अलाउ फॉर द रिकवरी ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन देम, द लीव्स आर बीइंग शेड. और उन लीव्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे दे आर रीएलोकेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सीड्स. इस तरह जो जो ऐसे पार्ट्स हैं विच आर नो लॉन्गर यूज फॉर द प्लांट, तो लीफ सिनेसिस के दौरान वो पार्ट्स भी पौधे से खत्म हो जाते हैं. अगर इसके मैकेनिज्म देखें तो मेन जीन्स जो इन्वॉल्व होती हैं लीफ सिनेसिस के अंदर, दे आर कॉल्ड एज सैक्स, सिनेसिस एसोसिएटेड जीन्स. और इस मैकेनिज्म कौन कौन से इन्वॉल्व है सैग में, तो दो तरह के मैकेनिज्म इन्वॉल्व होंगे. वन वन इज एज रिलेटेड डेवलपमेंटल सिनेसिस एंड सेकेंड वन इज डार्क इंड्यूस सिनेसिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड सिनेसेंस. दोनों जो टाइप्स हैं सिनेसेंस की, बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटो हारमोन्स. इसमें जो मेन हारमोन इन्वॉल्व होगा इन लीफ सिनेसेंस, दैट इज कॉल्ड एज एथिलीन. अब याद रखें इसके साथ कुछ और हारमोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक जैस्मोनेट्स और जैस्मोनिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड. द प्राइमरी हार्मोन इन्वॉल्व इन लीफ सिनेसेंस इज एथिलीन. और इसका जो एंटागनिस्टिक काम कर रहा होता है वो कर रहा होता है साइटोकाइनिन. सो लेट अस सी दिस मैकेनिज्म इन डिटेल. फर्स्ट हम ये देखेंगे एज रिलेटेड डेवलपमेंटल सिनेसेंस. द फर्स्ट पार्ट इज एज रिलेटेड डेवलपमेंटल सिनेसेंस व्हिच इन्वॉल्व अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन कॉल्ड एज एथिलीन. एथिलीन एक्टिवेट्स EIN2. EIN2 इज अ जीन प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. And from the endoplasmic reticulum, this one is translocated to the nucleus. और nucleus में जाकर ये तीन जो genes हैं उनको activate कर रहा होता है. That's called as NAC. N means NAM. A stands for ATAF. And C stands for CUC. NAM means no apical meristem. ATAF means arabidopsis transcription activation factor. And CUC stands for cup-shaped cotyledon. NAC then activates another very important transcription factor called as ORE1. It means कि एक transcription factor activate कर रहा होता है दूसरे transcription factor को. ORE1 जो है ना फिर आगे एक series of pathways activate कर रहा होता है. So कौन कौन से हैं? The first one is ORE1 antagonizes with the GLK1 and GLK2. GLK stands for golden 2 like 1 and golden 2 like 2. एक्चुअली ये ऐसी जीन्स हैं जो कि हम कह रहे होते हैं दिस आर क्लोरोप्लास्ट मेंटेनर्स. जब तक ये मौजूद होंगे तो क्लोरोप्लास्ट मेंटेन रह रहा होगा, क्योंकि ORE1 इनके फंक्शन को एंटागोनाइज कर देता है, इनको स्ट्रेस कर देता है. इट मीन क्लोरोप्लास्ट फिर मेंटेन नहीं रह पाएगा. क्लोरोप्लास्ट की क्या हो जाएगी? डिटीरियोरेशन. क्लोरोप्लास्ट अगर खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही होगी. फोटोसिंथेसिस इनहिबिटेड, अल्टीमेटली इट विल लीड टू द लीव सिनेसेंस. अगर दूसरा पाथ पे देखते हैं इसका, इन सेकेंड केस ORE1 अप रेगुलेट्स BFN1. BFN स्टैंड्स फॉर बाई फंक्शनल न्यूक्लियस 1 एंड BFN1 एक्चुअली इन्वॉल्व इन द न्यूक्लिक एसिड डिग्रेडेशन इन द लीव. अल्टीमेटली दिस विल लीड टू द लीफ सिनेसेंस. इसका थर्ड पाथ पे है उसमें इन्वॉल्व होते हैं सीना जीन्स. सीना स्टैंड्स फॉर 7 इन एब्सेंटिया 1. दिस वन सीना इज इन्वॉल्व इन द यूबीक्यूटिनेशन. एक्चुअली दिस वन इज इन्वॉल्व द यूबीक्यूटिन लाइगेज प्रोटीन. ubiquitination of the leaf involved in the leaf senescence. So, three pathways iske ho jayenge. The first one is antagonizes of GLK, GLK1, GLK2.
Second one is the upregulation of the BFN1 and third is the activation of the SINA1. एक और पाथवे भी होता है इसके अंदर इन्वॉल्व, जिसके अंदर EIN2 activates EIN3 molecule and EIN3 actually represses the expression of a very important factor called as MIR164. एंड जब इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा MIR164 का, दिस वन एक्टिवेट्स ORE1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. तो ORE1 अगर एक्टिवेट हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर ये तीनों पाथवे स्टार्ट हो जाएंगे, विच कैन अल्टीमेटली लीड टू द लीव सिनेसेंस. दैट इज एक्चुअली अबाउट ईच रिलेटेड डेवलपमेंटल सिनेसेंस. अगर हम सेकंड पाथवे देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पीछे हमने पढ़ा था NAC ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, that stands for N for NAM, A for ATF gene and C stands for CUC gene. NAM means no apical meristem, ATF means rhabdopsis transcription factor and CUC stands for cup shaped cotyledon. याद रखें सबसे ज्यादा जो काम हुआ है वो rhabdopsis पर हुआ है, because it is called as a model plant. और मेन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व होता है NAC के अंदर वो भी ATF ही हुआ करता है. तो लेट्स सी द सेकंड पाथवे. सेकंड वन इज एक्चुअली डार्क इंड्यूस्ड सिनेसेंस. दिस आर इन्वॉल्व द एथिलीन बायोसिंथेसिस और उसके अंदर जो जीन्स इन्वॉल्व होगा डेट इज PIF4. PIF मीन्स फाइटो क्रोम इंट्रैक्शन फैक्टर और इसका काम अपरेगुलेट हो जाएगा. दिस वन इज एक्टिवेटेड. फिर ये क्या कर रहा होगा, दिस वन एक्चुअली बाइंड्स टू ई बॉक्स रीजन ऑफ GLK1 एंड GLK2 प्रमोटर्स. अब अगर ये जहां पर जाके बाइंड कर जाएगा तो GLK1 और GLK2 जो है वो काम नहीं करेंगे. और हम जानते हैं कि GLK1 और GLK2 जो है दे आर एक्चुअली द क्लोरोप्लास्ट मेंटेनर्स. क्लोरोप्लास्ट ही फिर मेंटेन नहीं रहेगा तो उसकी स्टार्ट हो जाएगी डिटेरियोरेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी. क्लोरोप्लास्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इनहिबिशन हो जाएगी एंड दिस विल लीड टू द लीव सिनेसेंस. दैट वाज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर पाथवेज. उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आ गया होगा बिकॉज वी स्टडीड इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म. इफ यू लाइक द लेक्चर काइंडली हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.